आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीडीएफ से इमेज में कन्वर्ट किस प्रकार करें। कभी कभी सबके साथ, आपके साथ भी, हमारे साथ भी ऐसा होता ही है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए पीडीएफ है और कहीं इसे ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पर जो फॉर्मेट होता है वो पीएनजी में होता है या फिर जेपीईजी में होता है और आपके पास क्या है, पीडीएफ है। तो ऐसे में पीडीएफ वहां पर अपलोड नहीं होता है, तो ऐसे में आप पीडीएफ को जेपीईजी में करेंगे उसके बाद अपलोड होगा। तो आप ऑनलाइन किस प्रकार से पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे आज का इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको दो वेबसाइट बताऊंगा, दोनों वेबसाइट सेम है। और तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप ऑनलाइन पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये जो सर्च बार देख रहे हैं यहाँ पर आपको वेबसाइट टाइप करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं आपको दो वेबसाइट बताऊंगा। पहला वेबसाइट ये रहा smallpdf.com, इस वेबसाइट से आप पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा वेबसाइट है ilovepdf.com, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दूसरा वेबसाइट टाइप किया। दोनों वेबसाइट में आप सेम तरीका से पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ilovepdf जो है इस वेबसाइट को आप यूज़ करें। ये बिल्कुल सिंपल है, जब ये टाइप करके जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ ilovepdf और नीचे स्लाइड करेंगे तो बहुत से ऑप्शन है इसमें। देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है मर्ज पीडीएफ, इसमें आप एक दो, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास दो पीडीएफ है, तीन पीडीएफ है, तो मर्ज पीडीएफ से आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ स्प्लिट पीडीएफ, यहाँ से आप पीडीएफ को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पीडीएफ पांच पीडीएफ है, उसमें से एक पीडीएफ अलग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगला है कंप्रेस पीडीएफ, यहाँ से पीडीएफ का साइज को कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पावर पॉइंट है तो उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल को पीडीएफ में, और यहाँ से पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए अगला जो ऑप्शन है, पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जेपीजी है उसे पीडीएफ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ से आप पीडीएफ में साइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप अपने पीडीएफ में वाटरमार्क लगा सकते हैं, पीडीएफ को रोटेट कर सकते हैं, HTML को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद PDF में पासवर्ड लगा सकते हैं, यहाँ से इसको PDF को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, A to Z इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, PDF को PDF में चेंज कर सकते हैं, PDF को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद PDF को पेज नंबर वाइज आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद स्कैन करके आप PDF में यहाँ से लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्कैन टू PDF। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पीडीएफ को इमेज में किस तरह बदलेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पीडीएफ टू जेपीजी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, इस पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, आपको क्या करना है फाइल वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल की स्टोरेज ओपन हो जाएगा। अब ऊपर देखें, यहाँ पे देखें चार ऑप्शन है, आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे शो होगा। आपको जिस भी पीडीएफ से इमेज बदलना है उस पीडीएफ को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखें आपका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू जेपीजी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपका पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड जेपीजी इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पीडीएफ से इमेज में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। गैलरी में देख सकते हैं मेरा गैलरी है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पीडीएफ है वो जेपीजी में यानी इमेज में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो ये रहा मेरा इमेज और इसी, ये मेरा पहले पीडीएफ था, इसे मैं इमेज में कन्वर्ट कर चुका हूँ। चलिए मैं आपको इसे फॉर्मेट दिखाता हूँ। तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट देख सकते हैं जेपीईजी लास्ट में लिखा हुआ है, यानी ये जो पीडीएफ था मेरा इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा।